हेलो, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। फ्रेंड, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वर्क करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में ही वर्क बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला। ओके, और सबसे पहले मैं इसमें क्लियर कर दूँ कि मैं आप लोगों को मानता हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन में बिल्कुल सुपरमैन हैं, ओके, बट शॉर्ट ट्रिक्स में आप हमारे फैन हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये सीरीज़ आप बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगा जो कि कोई भी टीचर्स आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं बताएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज फर्स्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड्स, हमारा देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार वस्त्रों पर इतनी कीमत अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। ओके, और 1470 की लागत के सूट की अंकित मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कि हमें MRP ज्ञात करना है। ओके, चलिए ठीक है, निकालते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए, मैन्युअली मेथड मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, तो लेकिन देखिए बट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यूज़ मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में कराऊंगा। ठीक है, बस ये मैंने आपको एक प्रोसेस दे रखा है कि ये मैन्युअली मेथड ऐसा हो सकता है, लेकिन जो कि एग्जाम अप्रोच नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे स्मार्ट अप्रोच क्विक स्मार्ट मेथड के साथ। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 12.5% की छूट दे रखा है। हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये 12.5% जो है, इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेंगे। तो आप लोगों को मैं बिल्कुल, मैंने अपनी शीट दे रखी, उसको आप ज़रूर याद कीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो ये 12.5% जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगी, वो होगी 1/8 होगी। ओके, फिर दे रखा है 10% का लाभ होता है, तो ठीक है, मैं 10% का भी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेता हूँ, तो ये 1/10 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन 12.5 की हमें दे रखी है ना, तो ये 1/8 आया ना, 1/8, तो ये 8 हमारा MRP होगा। ठीक है, और ये हमारा SP है। ठीक है, ये एक आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं MRP लिख दे रहा हूँ, MRP SP। ठीक है, फिर दूसरा हमारा CP और SP। पहले केस में देखिए क्या करें, 12.5% की छूट देने के बाद भी, ठीक है, पहले हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कितना 8 हो गया, ठीक है, MRP 8 हो गया, और कितने छूट दे रहा है, 1 की छूट दे रहा है ना, तो इसका मतलब SP वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 8 हमारा MRP है, वो छूट दे रहा है, 1 की छूट दे रहा है, मतलब डिस्काउंट है ये, तो वही हमारा SP हो जाएगा। तो एज अ मान ले कि 1 डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है, तो फिर हमारा SP कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या करा, उसे 10% का लाभ होता है। ठीक है, छूट देने के बाद भी उसे 10% लाभ होता है, तो यहाँ पे ये 10% का लाभ है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और फिर ये हमारा SP हो जाएगा, डिस्काउंट एक तरह से ये भी है। इसमें देखिए यहाँ पे हमने 10 लिखा और प्रॉफिट हो रहा है ना, तो लाभ यहाँ पे लिखा हुआ ना, 10% का लाभ हो रहा है, तो वही यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो SP दे रखा है दोनों की ना, वो मुझे इक्वल करनी रहेगी, सेम। ठीक है, अब सेम कैसे करेंगे, जो ये 11 दे रखा है ना, ये 11 को हम लोग यहाँ से दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे SP इक्वल करनी है, तो ये हमारा 88 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 77। ठीक है, ठीक है, अब ये 7 जो यहाँ पे दे रखा है, इसको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 70, और ये होगा हमारा 77। तो देखिए अब SP सेम हो गई दोनों की, 77 हो गई, तो देखिए कॉस्ट प्राइस अब हमारी हो गई 70 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1470 रुपये की लागत, लागत मतलब क्या होगी, कॉस्ट। ठीक है, कि सूट का अंकित मूल्य ज्ञात करना, मतलब कि हमें MRP ज्ञात करनी है ये, और ये हमारी कॉस्ट प्राइस हमें इतनी है दे रहा हमारे को। तो देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दे रखा है 1470। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग क्या आया है, 70 आया है। ठीक है, याला, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दिखाया। अब जब इसको हम लोग कट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, 0 से 0 कट गया, और ये 7 2 14 और 7 1 7। ठीक है, 21 हो गया, और मुझे क्या पूछा, MRP पूछ रहा है, तो MRP देखिए यहाँ पे क्या है, 88 दे रखा है ना,
तो बस एमआरपी हम लोग निकाल लेते हैं, तो एमआरपी हमारी हो जाएगी 88 मल्टीप्लाई बाई 21। तो देखिए आंसर बिल्कुल इजी आ गया, 1848। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आया, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, देखिए कितना चीप एंड बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया है। सो फ्रेंड, ये मेथड आप लोगों को कहीं नहीं सीखेंगे, सिर्फ आप हमारे पास ही सीखेंगे। क्विक स्मार्ट रहिए, बिल्कुल इन क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करिए, बिल्कुल ईजी होते हैं। बस थोड़ी सी आपका क्या कह सकते हैं ना, माइंड विजन अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चंस को करने का ढंग वो आएगा आपके प्रैक्टिस से आएगा। सो प्लीज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। क्वेश्चन में कुछ भी पूछता मैं निकाल देता। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, देखिए 1470 यहाँ पे दे रखा है ना कॉस्ट प्राइस। तो देखिए अब ये 1470, ये देखिए 70 हमारे अकॉर्डिंग आया था ना, अब देखिए कॉस्ट प्राइस यही 1470 कैसे आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए 70 ये हुआ जो हमारे अकॉर्डिंग आया, और ये 21 जो क्वेश्चन जो हमारा मेथड मैंने लगाया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 17 है, ठीक है, 70, तो ये कितना आ जाएगा, 1470। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आ गई, और उसी तरह एमआरपी मैंने निकाल ली यहाँ से। ठीक है, एमआरपी में 21 मल्टीप्लाई करके कोई भी पूछेगा यहाँ से हमसे कुछ भी, कॉस्ट प्राइस देखिए मैंने, अब कॉस्ट प्राइस तो फिलहाल दे रखा था यहाँ पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने देखिए हमें वेरीफाई करके आपको दिखा दिया कि 1470 कैसे आ गया। ठीक है, 70 मल्टीप्लाई बाई 21, तो वो हमारा आ गया 1470, हमारी कॉस्ट प्राइस जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, तो फ्रेंड मैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि कैसे और भी इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रॉफिट लॉस का। ये क्वेश्चन वो आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने इसमें क्या किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 रुपये में प्रस्तावित किया, मतलब ठीक है कि ये 27,500 की ये एक मशीन बिकेगी, ओके, लेकिन यदि वह उसे 10% कम कीमत वसूल करे तो उसे 10% का लाभ मिल जाएगा। तो मशीन का वास्तविक मूल्य क्या है, मतलब कि हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है इससे। ठीक है, तो हम मैनुअली मेथड ये रहा, तो जो कि हमारे लिए यूजलेस है, जो हमारे लिए यूज है वो हम आपको बताने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स। तो सेम फिर वही हम अपना प्रोसेस, वही पुराने कॉन्सेप्ट को फिर से यहाँ पे यूज करेंगे। 10% हमें ये कितना है, 1/10, ओके। फिर देखिए एमआरपी और एसपी, पहले पहले केस में क्या कह रहा है, यदि वह उसे 10% कम कीमत वसूल करे तो ठीक है, तो ये यहाँ से एमआरपी इसकी 10 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एमआरपी हो गई ना, ये एमआरपी हो गई और ये डिस्काउंट हो गया, तो उसमें क्या कह रहा है, कितना, एक 10 में एक डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने का एसपी बिकेगी, वो 9 की हो गई। ठीक है, और दूसरे केस में देखिए क्या कह रहा है, तो उसे 10% का लाभ मिल जाएगा, ओके। तो कॉस्ट प्राइस हमारा फिर वही 10 हो गया, और लाभ हो रहा है ना अब यहाँ पे, तो 10 में अब एक जुड़ जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा, गुड। अब हमें फिर एसपी यहाँ पे सेम करनी होगी, ठीक है, एसपी सेम करनी है। अब वो कैसे करना अभी मैं बताता हूँ आपको। अब एसपी हमें सेम करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, जो ये 11 दे रखा है हमें इस दोनों पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 को मैंने जब यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये 110 हो जाएगा, और ये हमारा 99 हो जाएगा। फिर इस 9 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90, और ये हमारा हो जाएगा 99। तो देखिए हमारा एसपी सेम हो गया, ठीक है, एसपी सेम बनाना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, 27,500, ओके, और जो हमारे अकॉर्डिंग आंसर आया है वो आया है 110 एमआरपी। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 250, ठीक है, 250 आ गया, और हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ना यहाँ पे, लागत मूल क्या होगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में। तो सीपी हमारी देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया 90 आया था ना, तो सीपी हमारी आ जाएगी 90 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे 250। तो देखिए आंसर आ गया हमारा 22500, मतलब कि 22,500 रुपये जो कि कॉस्ट प्राइस थी उस मशीन की। तो ऑप्शन सी हमारा इज राइट आंसर, ओके। अब देखिए कितना मेथड इजी था, मैंने सेम
लास्ट मेथड को ही इस मेथड में भी अप्लाई कर दिया। ओके अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चेक करते हैं हम लोग बिल्कुल स्मार्ट वे में। ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, और ये रहा आपका मैनुअली मेथड, तो हम लोग मैनुअली मेथड यूज़ ना करके हम लोग यूज़ करेंगे क्विक स्मार्ट अप्रोच। अब देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या है, किसी वस्तु को 10% की छूट देकर, तो ठीक है हम मान लेते हैं MRP किसी वस्तु की थी 100%, ठीक है 100 रुपीज़ मान लेते, परसेंट नहीं, तो वो छूट कितनी दे रहा है, 10 रुपये की छूट दे रहा है, तो वो कितनी बिकेगी, 90 रुपये की बिकेगी, उसने 10 रुपये छोड़ दिए। ठीक है, और दूसरे केस में क्या कह रहा है, 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल में लागत मूल की वृद्धि कितनी करनी होगी। ठीक है, तो फिर देखिए हम CP मान लेते हैं 100, आपको पता है 100 रुपये CP हमेशा 100% होती है, और फिर क्या कह रहा है, 8% का लाभ कमा रहा ना, तो फिर SP हमारी कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी, क्योंकि हमें लाभ कमाना है ना 8% का। देखिए मैंने ये जीरो से ये जीरो काट दिया, ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 और 9। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम 4 से कट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25, और ये 27 हो जाएगा, क्योंकि मुझे इजी करना है कैलकुलेशन, तो इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए हमें फिर SP यहाँ पे सेम करनी है, तो SP सेम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 27, और ये 25 27। अब देखिए हमारी SP सेम हो गई ना दोनों की। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अंकित मूल से लागत मूल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब कि ये हमारा MRP है, ठीक है, और ये हमारी लागत मूल है कॉस्ट प्राइस, तो कितनी वृद्धि करनी होगी, तो मतलब कि यहाँ पे वृद्धि लिख लेते हैं, वृद्धि 30 माइनस 25, मतलब कि 5 रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वृद्धि परसेंटेज निकाल लेंगे, तो वृद्धि परसेंटेज आप लोगों को पता है 5 जो हमारा है, और कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमें कितनी 25 यहाँ पे दे रखी है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा कट जाएगा 5 1 5 5 5 25, तो ये हमारा आ जाएगा 20%। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज़ हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो देखिए कितना इजी वे में मैंने इसको सॉल्व किया, बस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज को पुट की और अपनी मेथड से सॉल्व कर दिया क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाएगा, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना, ये मैनुअल मेथड है जो कि बिल्कुल आपको नहीं करना है। ओके, ये मैंने कट किया, जो कि यूज़ नहीं करना है, जो यूज़ करना है वो मैं अब बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर परसेंटेज वैल्यू दे रखी है ना, तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद रखनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, यही हमारा DI में भी यूज़ होता है, और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में भी यूज़ होता है, और प्रॉफिट लॉस में भी यूज़ होता है, तो प्लीज़ फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर लीजिए, और मैं इस वीडियोस के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वैल्यूज़ मैं पुट करके दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखिए 5% जो हमें दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20, ठीक है, और जो 2.5% की वैल्यू है फ्रैक्शन, वो हो जाएगी 1/40, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यही नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल टफ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य से 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं MRP नहीं कॉस्ट होगा, कॉस्ट प्राइस, तो देखिए यहाँ पे 5% हमें क्या दे रखा है, 1/20, जो ये हमारा 20 है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, और ये हमारा डिस्काउंट है 1, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, चलिए मैं लिख देता हूँ, CP हमारी हो गई 20, ठीक है, तो SP हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि लाभ में है, संभावित लाभ है ना, तो जो उसको लाभ मिलना था SP वो हो जाएगा 21, ठीक है, और दूसरे केस में क्या कह रहा है,
2.5% हानि में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये 40 है, तो मतलब कि ये सीपी मान लेते हैं 40, दो की ये सीपी होता ही है, और ये हानि है, एक की हानि हो रही, तो मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 39 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कॉस्ट प्राइस को इक्वल करना होगा, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो ठीक है, हम इसको सेम बनाते हैं, तो सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे इस वैल्यू पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा 40 हो गया, ठीक है, और ये 42 हो जाएगा, 40 और 39। ठीक है, हमारी सीपी सेम हो गई। अब हम लोग एसपी में कमी निकाल लेंगे, एसपी में कमी, तो कमी देखिए यहाँ पे एसपी दे रखा है 42 और -39, तो कितनी कमी आएगी, 3 की। और क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दे रखा है 12 रुपये। ठीक है, और जो हमारा आया है वो, क्योंकि कमी दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो ये मैंने एसपी की कमी इसलिए निकाला है, और हमारी कमी आई है 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस वस्तु का लागत मूल्य बने, तो ठीक है कॉस्ट प्राइस हमारी ये है, तो हम लोग सीपी पूछ रहा है, तो सीपी हमारी 40 आई है, और मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 160। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए कितना इजी वे था, अब इसी में एसपी पूछता तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई 4 कर देते, 39 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाती, एसपी आ जाती, बस इस क्वेश्चन में हम पुट कर देते, अपना आंसर आ जाता। तो देखिए कितना इजी वे था, बस जो क्वेश्चन में दिए रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में अपना वर्क करके आंसर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक व्यापारी एक कल मतलब कि घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, ठीक है, तब पश्चात वह उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे 10% छूट देकर भी 20% का लाभ मिले, तो उस घड़ी की सूची मूल्य क्या होगी। ठीक है, निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना कॉस्ट प्राइस एसपी और फिर दूसरी सीपी और एसपी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है 10% की छूट देकर, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो थी 100 रुपीज़ थी, तो छूट दे दिया 10, तो कितनी होगी, 90। ठीक है, फिर क्या है, 20% का लाभ मिलता है, तो फिर 100% ये हो जाएगी और 120, तो ये जीरो कट जाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करके हमें वैल्यूज को कम करनी है, जैसे कि हमारा ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, अब हमें एसपी को फिर सेम करना होगा। ठीक है, तो कैसे सेम करेंगे, 12 जो दे रखा है ना ये, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे, और फिर 9 को जो दे रखा है इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो ये हमारा हो गया 10, 9, 10 और 12, तो ये हमारा 2 से कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, तो फिर वैल्यूज हमारी क्या आ गई, 10 और 9। ठीक, अब फिर हमें इसमें एसपी को सेम करना होगा। ठीक है, तो एसपी को सेम करने के लिए ये यहाँ जो ये हमें वैल्यू दे रखी 6, इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 9 दे रखी वो हम इस साइड करेंगे, तो चलिए वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पे, और 9 से यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा हमारा 45, और ये हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, अब देखिए एसपी सेम हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी एक कलाई को इतने में खरीदता है। ठीक है, क्वेश्चन और अवर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है 450। ठीक है, और जो हमारे अकॉर्डिंग आया वो 45 आया है, ये 45 आया। ठीक है, क्योंकि 120 लाभ के बाद उस घड़ी का मुझे मूल बताना है,
ठीक है, तो ये इसके जब हम लोग इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10, ठीक है, 45 एक से जाएगा और फिर ये 10, ठीक है। अब हमें इसकी कॉस्ट प्राइस बता दें, सूची मूल्य क्या है उसकी, तो ठीक है, तो सीपी हमारी हो जाएगी 45, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, सूची मूल्य मतलब क्या होता है, एमआरपी होता है ना, तो हमें एमआरपी बतानी है, तो फिर एमआरपी हमारी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से ये हमारी एमआरपी हो जाएगी एक तरह से 60 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 600। देखिए कितना इजी आंसर था, चीप एंड बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एमआरपी भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो हमारी 60 आई थी, ठीक है, और ये एसपीएम कॉस्ट प्राइस हमारी आई थी, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देख लिया कि कितना वैल्यू आई, तो वो 10 आई, और 10 को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो हम 45 से मल्टीप्लाई कर देते, 45 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, तो 450 तो वो तो कॉस्ट प्राइस दे ही रखा है ना यहाँ पे, देखिए वेरीफाई भी हमने करके यहाँ से दिखा दिया, 45 मल्टीप्लाई बाई 10 तो वो हमारा आ जाएगा 450, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन हमें एमआरपी निकालनी थी, तो एमआरपी मैंने 60 मल्टीप्लाई बाई 10, 600, गुड नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इस क्वेश्चन को आप लोग ने भी देखा होगा कि पेपर में आते जरूर है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी शॉर्टनिंग जरूर आप सीख लीजिए हमारे साथ। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी 2160 रुपए में दो पंखे खरीदता है, ठीक है, एक पंखा 15% लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर उसे बेच देता है, तो उस पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है, तो हर पंखे का क्रय मूल्य चाहिए, मतलब मुझे दोनों पंखों का अलग अलग मूल्य चाहिए, तो ठीक है, मतलब कि हमें सीपी निकालनी दोनों पंखों की, तो ठीक है निकालते हैं हम लोग इसको क्विक स्मार्ट में करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला केस दे रखा है ना, एक पंखे को उसने 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर, तो ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो पहले पंखे की थी वो 100 रुपीज़ थी, तो जो उसे 15% लाभ पर बेच देता है, तो मतलब कि एसपी उसकी कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम और सोल्यूशन सिंप्लीफाई कर दें, मतलब कि मल्टीप्लाई वो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये हमारा जाएगा 20 और ये हमारा जाएगा 23, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि 9% की हानि होती, तो दूसरा केस में अगर वो 100% की चीज़ थी तो एसपी उसकी क्या होगी, 91 रुपीज़ होगी, क्योंकि 9% की हानि हो रही ना, तो उसमें मैंने 100 माइनस कर दिया 9, तो 91 हो जाएगा, तो ये केस हमारा हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, 20, 23 और 100, 91, ठीक है। अब इसको इसको माइनस करना है मुझे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, इसको इससे कट, 3 बन जा 3 और 3 3 9, तो ये 1:3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको और सिंपलीफाई कर देता हूँ, 20, 23 जो कि हमारा 1 आया है, ठीक है, 100 और 91 जो कि हमारा 3 आया, तो देखिए अब जो ये 3 है, ये जो 3 दे रखा है ना, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 69, और ये तो 100 ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये 91 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारी एसपी चल रही है जो इस साइड की है, ये सारी हमारी एसपी है, ठीक है, राइट हैंड की, तो कितना आ जाएगा, ये टोटल करेंगे 160 आ जाएगा दोनों का, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, मतलब ये टोटल हो जाएगा, टोटल हमारा 160 आया है, ठीक है, और ये केस फर्स्ट का है और ये केस सेकेंड का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने पंखा कितने में खरीदा था, 2160, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, 160, हाँ 160 आया, तो ये इससे कट जाएगा
तो देखिए ये कट नहीं रहा है पूरा एग्जैक्टली, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 54/4, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 27/2 हो जाएगा, ठीक है, इसको मैंने 2 से और डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब कि हमारा ये आया। अब देखिए, अब हमें पंखे की, अब फर्स्ट फैन की हम कॉस्ट निकालते हैं, कि कॉस्ट प्राइस तो इस पे निकलेगी ना, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का क्या कॉस्ट प्राइस चल रहा है और ये हमारा एसपी चल रहा है, तो ठीक है, तो फर्स्ट फैन का हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 60 × 27/2, तो ये हमारा 3 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 810, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम सी मान सकते हैं, दूसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम दूसरा भी निकाल के दिखाते हैं आपको कि दूसरा भी आंसर आएगा। तो दूसरा फैन की क्या आ जाएगी कॉस्ट, तो दूसरे फैन की कॉस्ट हो जाएगी 100 × 27/2, तो ये हमारा आ जाएगा 50, तो 50 × 27 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1350, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले फैन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 810, और दूसरे फैन की वैल्यू आ गई हमारी 1350, ठीक है, ये था हमारा आंसर। अब देखिए कितना इजी मेथड था, शॉर्ट ट्रिक्स में मैन्युअली कर सकते हैं नो डाउट, बट जो चीज़ एग्जाम में अप्रोच है वो आप एक एक्सेप्ट करिए, ओके फ्रेंड्स। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बिल्कुल मार्क करके इसको बिल्कुल बहुत सारी प्रैक्टिस कर डालिए इन क्वेश्चन पे, क्योंकि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे मुझसे पूछे थे। सो फ्रेंड प्लीज़ प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी क्वेश्चन इजी है, मैनुअली मेथड यहाँ से देख लीजिए, जो कि एग्जाम अप्रोच नहीं है तो मैं कट बना रहा हूँ, और जो इस एग्जाम अप्रोच है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए फिर वही चीज़, 25% हमारा कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4 होती है, ठीक है, और 12.5% हमें दे रखा है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/8 होती है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो डाउनलोड करके देख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य से 12.5% कम कर देता तो उसका कितना लाभ होता, ठीक है। और फ्रेंड आपको पता है कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकाली जाती है, तो पहले मैं मेथड बताता हूँ कैसे होता है। तो देखिए पहले केस में सीपी और एमआरपी, ठीक है, अब ये देखिए 25% अधिक अंकित करता है ना, तो मतलब कि 4 हमारी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है, और 1 हमारी क्या एमआरपी हो जाएगी, तो मतलब कि 4 हमारा कॉस्ट प्राइस है 4, ठीक है, एमआरपी भी कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, यदि वह अंकित मूल पर 12.5% कम कर देता तो मतलब कि फिर हमारा ये क्या एमआरपी और एसपी, तो एमआरपी यहाँ पे फिर हमारी कितनी 8 हो जाएगी, कम कर देता कितना कम कर देता 1 कम कर देता, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाता, ठीक है। अब हमें एमआरपी को सेम करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो ये सिंपल है, मैंने आपको इतने क्वेश्चंस मैंने इसी मेथड से बता रखे, तो ये जो 8 दे रखा है ना इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 और 8, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32, और फिर ये हमारा आ जाएगा 8 × 5 = 40, और यहाँ पे ये 40 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 5 × 7 = 35, ठीक है। अब देखिए हमारी एमआरपी सेम हो गई, ठीक है। अब प्रॉफिट हमें कैसे निकालना होता है, हमें प्रॉफिट पता है कॉस्ट प्राइस से निकलती है, तो देखिए एसपी ये है 35 रुपये में उसने बेच दिया, और ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 32 रुपये, तो हमें अब यहाँ से क्या प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट देखिए कैसे निकलेगा, प्रॉफिट हमारा एसपी जो थी एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितनी है 35 − 32, तो कितना आया 3 रुपये प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या 3/ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी 32 × 100, तो ये हमारा आ जाएगा 75/8,
और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 होल 3/8%। तो ऑप्शन हमारा ए इज राइट आंसर। तो देखिए कितना इजी वे था विदाउट फॉर्मूला, स्मार्ट अप्रोच। आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगा तो ये क्वेश्चंस आप भूल जाएंगे करना, ठीक है। और जो कि एग्जाम अप्रोच है इन्हीं को आप अप्लाई करिए अपने क्वेश्चंस में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसे 117% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक MRP करना होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 10% की छूट करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं MRP ये है हमारा MRP और SP। तो MRP 10% की छूट देता है ना, तो मान लेते हैं ये देखिए 10%, वही मैं बता देता हूँ, 10% हमारा क्या होता है 1/10, ठीक है। तो 10 MRP हो गई, तो एक छूट दे रहा ना डिस्काउंट एक, तो ये कितना हो जाएगा 9 का बिकेगा, ठीक है। और दूसरे केस में उसे 117% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान पे लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित करना होगा। तो ठीक है CP मान लेते हैं 100 जो होता ही है 100, और SP उसे 17% का लाभ कमाना है तो 117 हो जाएगा, ठीक। अब हमें इसको सेम बनाना है, फिर वही कहानी। तो सेम करने के लिए क्या करना होगा, हम इसको दोनों तरफ यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, CV सेट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और ये 117 हो जाएगा, फिर ये 100 और ये हो जाएगा 117, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में आते हैं, लागत मूल से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है, लागत मूल्य, और ये हमारी MRP, तो कितना है अधिक 30%, ठीक है, 30 रुपीज़ है। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 30 और कॉस्ट प्राइस कितना है 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 30%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। कितना ईजी था, बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ मैंने सॉल्व किया और अपने आंसर पे आ गए, ठीक है। तो आप लोग भी इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को क्विक स्मार्ट अप्रोच में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8,750 में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली, तो MRP क्या है, ठीक है, हमें MRP बतानी है इसमें। तो फिर देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, और फिर क्या कह 25% लाभ कमाना, तो SP कितने की हो गई 125, ठीक है, 100 रुपये तो कॉस्ट प्राइस होती ही होती है, तो उसमें 25% का लाभ कमा रहा है, तो हम मान लेते हैं 125 उसके SP हो गई, ठीक है। अब MRP 100%, ठीक है, और कितना कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% की डिस्काउंट मिली, तो मतलब कि CP क्या हो जाएगी, डिस्काउंट मिल गया ना, तो ये 70 हो जाएगा 70, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 10 और 7, ठीक है, ये 0 कट गए। सिंप्लीफाई तो आपने भी कर लिया होगा ना, ठीक है, ऐसा ही। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को सेम बनाना है, फिर वही चीज़ सेम चीज़ें बनानी रहती है हमेशा, ठीक है। अब सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें जो ये 7 वैल्यू यहाँ पे दे रखी ना, यहाँ से हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये 4 दे रखा है ना, 4 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी। तो फिर ये हमारा आ जाएगा 28, 35, ठीक है, और ये हमारा होगा 40, और ये हो जाएगा 28। तो देखिए कॉस्ट प्राइस सेम हो गई 28, 28। अब क्वेश्चंस में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें कितना दे रखा है 8,750, ठीक है। क्या कह रहा है, उस वक्त उसको बेच दिया है, ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 35 आया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस ये। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करते हैं,
ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं। अब उसमें क्या हमसे पूछ रहा है कि अंकित मूल क्या होगा, तो अंकित मूल हमारा एमआरपी यहाँ पे देखिए कितना है, ये एमआरपी का है वैल्यू चल रही ना, तो ये एमआरपी हमारी कितनी है यहाँ पे 40 है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई 40 कर देते हैं जो कि हमारी एमआरपी थी, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है, आंसर ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब मैंने ये हिंट दे दिया, आप लोगों ने श्योर कैच कर लिया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस की, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए बी को एक सूट के 10% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है, फिर यदि सी उसे उसके लिए 2860 रुपये दिए हों तो ए उसे कितने में खरीदा होगा। तो ठीक है, इसको भी हम लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे। तो सी पी देखिए हमें दे रखा है 100%, हम मानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सी पी डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब कितना है 10% लाभ पे बेचा ना, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 100, और फिर 130 का लाभ मिला और कितने का बेचा, टोटल हो गया हमारा इसकी वैल्यू दे रखी 2860, ठीक है। अब देखिए सी पी निकालनी हमें, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2860 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 130, ठीक है। मेनली अब आप इसको सेल्फ कैलकुलेशन कर लेंगे और मैं आंसर लिख देता हूँ 2000 आंसर, ठीक है। इजी था, स्मार्ट अप्रोच के साथ मैंने सॉल्व किया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, ये हमारी सी पी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखा है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह 56.25 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो घड़ी की कॉस्ट प्राइस बतानी हमें, मतलब कि 100%, आपको पता है ना कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व करके बताऊंगा, मैं बिल्कुल इजी वे में जाऊंगा और आप लोगों को भी ये मेथड समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, ठीक है, तो मतलब कि उसको हानि 95 में बेची, ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा है यदि वह उसे, तो दूसरा कह रहा है तो उसे 110 का लाभ होता है, मतलब कि 56.25 में अधिक बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, 10% का, तो मतलब कि लाभ हो रहा है तो 110% का लाभ होता, ठीक है। अब हम इसका क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा 15%, और जो ये 15% हमें दे दिया है ना, ये वैल्यू हमें दे रखी है 5625 के, ठीक है, जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा, ये 15% इस वैल्यू दे रखी है, और अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे, ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है। अब देखिए 15% हमें दे रखा है 56.25, ठीक है, 1% कितना हो जाएगा 56.25 डिवाइडेड बाय 15, ठीक, और 100% जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, 100% हमें निकालना है, तो 56.25 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब हम इसको सॉल्व, ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 3.75, ठीक है, और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.75 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा पूरा फिगर हो जाएगा 375 रुपये, ठीक आंसर, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट, बिल्कुल इजी वे था, मैंने कुछ नहीं किया, इन्वेंटरी मेथड से आंसर निकाल लिया, ठीक है, डन। मैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 15% हानि पर बेच दी, ठीक है, यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती तो उसे 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त हो जाता, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है, ये SSC का क्वेश्चन है, UPPCS में भी आया है, तो हम लोग इसको स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्मार्ट अप्रोच में साथ हम कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस और SP,
पहले कंडीशन में कह रहा है 5% हानि पर बेच दी, तो मतलब कि कॉस्ट प्राइस तो 100% होगी, तो उसने 5% हानि बेच दी तो कितने बेची, 95 में बेची, डन। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, उसने वही वस्तु 10% कम पर खरीदी होती तो मतलब कि 90 में खरीदी होती, ठीक है, खरीदी होती तो 30% का लाभ प्राप्त हो जाता। अब देखिए 90 का 30% यहाँ पे हम निकाल देते हैं, 30 डिवाइडेड बाय परसेंट, ये परसेंट था ना 30%, तो इसको मैंने 100 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये से जीरो गया और ये यहाँ से ये जीरो ही चला गया, तो ये 27 हो गया, ठीक है। तो 90 प्लस 27, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 117, तो वो चीज़ कितने की मिलती, 117 की, ठीक है। अब इसका डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 22, ठीक है, ये मैंने क्या डिफरेंस लिया है, ठीक है। ये था हमारा 5% लॉस, ठीक है, और ये हमारा 30% प्रॉफिट, ठीक है। 117 वैल्यू कैसे है, यहाँ पे मैंने शो करके दिखा दिया है, ठीक है, भूलिएगा नहीं कि ये कैसे आया, 117 मैंने कैसे लिख दिया। उसने कहा है कि कम में खरीदी होती तो 30% का प्रॉफिट होता, तो मान फिर मैंने 100% ना मान के मैंने 90 मान लिया, ठीक है, क्योंकि 10% क्वेश्चन में कम दे रखा है ना, तो 117 में वो बिकती, क्योंकि मैंने 30% निकाला है, 90 का 30% 27 आया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है 33 और जो हमारे अकॉर्डिंग आया है वो आया है 22, तो ठीक है, तो ये कट के आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा ये 100% है ना, क्योंकि कह रहा उस वस्तु की लागत मूल कितनी है, तो लागत मूल तो यही कॉस्ट प्राइस पूछा है ना हमसे, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2, तो ये हमारा 50 हो जाएगा, और 150 जब हम लोग 50 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा 150 आंसर आ जाएगा, जो कि कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। देखिए कितना इजी वे था, मैंने सिंपल चीप एंड बेस्ट मेथड में आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड ये भी क्वेश्चन मैं आपको इजी वे में बताऊंगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, यदि उसने वही वस्तु 51.080 अधिक बेची होती तो उसे 6% का लाभ मिल जाता, तो उस वस्तु की लागत क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछता है, मतलब लागत मतलब क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो जो कि हमारी 100% होती है, ठीक है, हमें 100% बताना है, और ठीक है मैं इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, नो फार्मूला क्विक स्मार्ट, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, 12.5%, देखिए ये हो गया, ठीक है, प्लस 6%, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 18.5%, ठीक है। और जो हमें 18.5% हमें वैल्यू दे रखी है 51.80 रुपए, ठीक है, तो 1% क्या होगा, 51.80 मल्टीप्लाई बाय 18.5, ठीक है, और 100% फिर क्या होगा, जो कि हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यही हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो 51.80 डिवाइडेड बाय 18.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये काट के आ जाएगा 2.8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा आ जाएगा 280 रुपये आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कितना, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है हमें नेक्स्ट, एक आदमी ने अपनी एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती तो उसे 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता, तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है, ये बतानी हमें। तो ठीक है मैं भी इसको स्मार्ट अप्रोच में करूँगा, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होती है, 100% होती है, ठीक है, 100 रुपये मान लिया, ठीक है, वही चीज़ है, तो क्या कर लाभ, तो SP इसका कितना हो जाता है, 100% का लाभ पर बेची होती, तो 115 ये लाभ हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, 10% कम बेची होती तो मतलब कि ये CP हमारी 90 हो जाएगी, और क्या कह रहा है, तो उसको 25% का लाभ होता है, मतलब कि कम में बेची होती तो उसको 25% लाभ होता। तो देखिए यहाँ पे हम जो SP निकालेंगे वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 का हमें
25% फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 90/4, तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू 22.5, ठीक है। और फिर वही वैल्यू 90 + 22.5 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 112.5, ठीक है। यही वैल्यू हम यहाँ पे एसपी ये हमारी हो जाएगी, तो 112.5 एसपी हो गई, ठीक है। क्लियर है मैंने जो चीज़ कही, हमें उसने कहा है कि कम में बेची होती तो 10-25% का लाभ होता, तो ठीक है। अब ये मैंने 112.5 निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हम लोग यहाँ पे एसपी का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, क्योंकि चार रुपये में कम बेची होती ना, तो एसपी का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 115 - 112.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2.5, ठीक है। अब क्वेश्चंस और हमारे अकॉर्डिंग क्या आया है, ठीक, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दे रखा है 4 और हमारे अकॉर्डिंग आया 2.5 आया है, ठीक है। और अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 4 2.5 × 100, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है, तो वही यहाँ पे ये 100% है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 160 रुपीज़ आंसर, ठीक है। तो ये देखिए कितना इजी मेथड था, मैंने सिंपल सी चीज़ों में आप लोगों को सॉल्व करके बताया है। तो फ्रेंड प्लीज़ इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और आपको ये मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे, तो इसके लिए आप मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस अपने चैनल्स में सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे ही वर्क करता हूँ, और शॉर्ट ट्रिक्स में ही बताता हूँ कि एग्ज़ाम अप्रोच कैसे हम लोगों को फाइंड करना है, कि उस सिचुएशन में हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को इजीली और स्मार्ट वे में। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़, और हाँ रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियोस अपने शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें, क्योंकि वो फ्रेंड्स भी बेनिफिटेड हों जो बहुत कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, बहुत ही कॉस्टली होती हैं। सो मैं सारी ट्रिक्स आपको वीडियोस में मैं अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू, धन्यवाद, और प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन ज़रूर कामयाब हम लोग होंगे।